एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक के निधन ने आज 9 मार्च को बॉलीवुड को स्तब्ध कर दिया। तमाम लोगों को आज गुरुवार सुबह यह खबर मिली और लोग सुबह से ही सतीश को तरह तरह से याद कर रहे हैं। अचानक हुई इस मौत ने हिंदी फिल्म उद्योग को झंझोर कर रख दिया है। कई कलाकारों ने एक्टर के साथ अपनी यादें साझा की। इसी चर्चा में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जयपुर के कलाकार विजय स्वामी। सतीश कौशिक जी का निधन हो गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही दुखद खबर है। रात को अचानक ये सुना था हमने और अनुपम खेर जी का बयान सुना था तो बड़ा शॉक लगा। हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि जिसके साथ पिछले 8-9 महीने पहले ही यहाँ जयपुर में फिल्म पॉपकॉर्न की शूटिंग के साथ उन्होंने काम किया था और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा था। इतने जाने वाले और इतने मल्टी टैलेंटेड अभिनेता हमारे बीच नहीं रहे, जान के बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही अफसोस। तो सर उनकी पुरानी फिल्में, हाँ उनकी पुरानी फिल्में मेरी पसंदीदा फिल्म रही है, शुरू से मैं उनका फैन रहा हूँ और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि लास्ट ईयर मेरे को मौका मिला उनके साथ काम करने का, क्योंकि मैं जयपुर थिएटर आर्टिस्ट हूँ और 20-22 साल के थिएटर में काम कर रहा हूँ, तो बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात थी। और लेकिन आज अचानक उनकी निधन की खबर सुनके बहुत ही शॉक हूँ और बहुत ही अफसोस की बात। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड अभिनेता फिल्म मेकर ने खो दिया हमारे बीच, बहुत ही बड़ा नुकसान है बॉलीवुड को। सर कैसा क्या अनुभव रहा आपका उनके साथ, आपने उनके साथ फिल्म पॉपकॉर्न में काम किया है? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही काम के दौरान बहुत वो जब उनका शॉट आता था बहुत गंभीर भी होते थे और बाद में बहुत हंसी मजाक भी करते थे और उनकी किसी तरह का ईगो नहीं था। बहुत ही हम जैसे छोटे कलाकारों के साथ भी वो बहुत आसानी से घुल मिल जाते थे, बहुत अच्छी तरह से बातें करते थे, तो ये बड़ा अच्छा लगा था उनके साथ इतने दिन भी हम लोग रहे। बहुत ही शानदार अनुभव रहा। सर वो एक अच्छे सर एक अच्छे अभिनेता तो थे ही, इसके साथ उन्होंने फिल्म निर्माता भी वो बहुत अच्छे थे, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई इन्होंने, बहुत ही हास्य प्रधान फिल्में इन्होंने फिल्म जगत को दी है और सब सफल रही थी, एक से एक बढ़ के। तो क्या कह सकते हैं, विधि का विधान है नहीं रहे तो दुख की बात है, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेगी। हम कलाकारों को उनका कार्य, उनकी कार्यशैली हमें को प्रेरणा देती रहेगी, हमेशा दिलों में रखेंगे। भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। जी सर, कोई ऐसा मोमेंट जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया हो या उनकी ऐसी कोई बात जो आपको आज आप याद कर रहे हैं उनको लेकर? उनकी यही सबसे बड़ी बात थी, बहुत खूबी थी कि वो छोटे से छोटे कलाकार को भी महत्व देते थे और जरा भी घमंड नहीं था कि मैं इतने किस लेवल पे बैठा हूँ और लेकिन इनके साथ बात करूँ नहीं करूँ, बहुत आसानी से घुल मिल जाते थे। यही बात सबसे ज्यादा उनकी सबसे अलग बात थी। शुक्रिया विजय स्वामी जी तमाम जानकारी के लिए। पंजाब केसरी की पूरी टीम की ओर से सतीश कौशिक को विनम्र श्रद्धांजलि।